Hello friends, welcome back to my channel. This is Alok and in this video I will teach you realistic hair and beard by using Camlin charcoal pencil and Tombow Mono eraser. ये मेरे पास Camlin का charcoal pencil है जो बहुत छोटा हो चुके है और ये mono eraser इसी brush को use करूँगी. इस तीनों टूल को यूज़ करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी रियलिस्टिक हेयर एंड बियर्ड कैसे बनाते हैं. लेट्स सी गाइस, मैं ये पहले से ही आउटलाइन किया हूँ और ये आउटलाइन का ट्यूटोरियल नहीं है, ये हेयर की ऊपर ट्यूटोरियल है. तो आप देखते रहिए. और मैं इस तरह का स्ट्रोक लगा रहा हूँ जो कि हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा रहा हूँ. वो जो हमारा हेयर होता है तो डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाना ज़रूरी होता है, तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ. धीरे धीरे मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली शेडिंग कर रहा हूँ. आप लोगों को ऐसे ही शेडिंग करना है और धीरे धीरे मैं फ्लो देने की कोशिश कर रहा हूँ हेयर के डायरेक्शन में. आप लोगों को ऐसा ही करना है. तो मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट किया हूँ लेकिन, और ये मैं फर्स्ट लेयर ऑफ कर लिया जो अब देख सकते हैं. और मैं ब्रश से इसको स्मजिंग कर रहा हूँ, जो ब्लेंडिंग बोलता है वो ब्लेंड कर रहा हूँ. और ब्लेंड करने के बाद हम सेकेंड लेयर इसके ऊपर चढ़ाएंगे. तो हम जो फर्स्ट में हमारा प्रेशर था उतना ही प्रेशर रहे, मैं उतना ही प्रेशर दे रहा हूँ. आप लोगों को उतना ही प्रेशर देना है लेकिन ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल मत कीजिए हेयर के ऊपर. तो अगर ज़्यादा प्रेशर दे दोगे तो वो तो इरेज भी नहीं होगा, हाईलाइट भी नहीं होगा, वो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. तो और रियलिस्टिक भी नहीं लगेगा उससे हेयर. और मैं सेकेंड लेयर को जो अप किया हूँ वो मैं स्मजिंग कर रहा हूँ, ब्लेंड कर रहा हूँ. और मैं और भी ज़्यादा डार्क करने के लिए थर्ड लेयर ऑप्ट कर रहा हूँ. अब भी ऐसे ही लेयर बाय लेयर चलते रहिए. अब मैं धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ. जो बाहर की तरफ हेयर है उसमें कम करना ज़रूरी होता है रियलिस्टिक दिखाने के लिए. वही बिगनर गलती कर देते हैं, जो वायर की तरफ जो हेयर होता है वो नहीं दिखाते. अब मैं गाइस, अब मैं बियर्ड बना रहा हूँ और स्ट्रोक लगा रहा हूँ. जो थोड़ा सा कर्व में स्ट्रोक लगा रहा हूँ. आप लोगों को कर्व में स्ट्रोक लगाना पड़ता है. जो अक्सर बिगनर गलती करते हैं सीधे सीधे स्ट्रोक मार देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना. थोड़ा सा कर्व में कीजिए तो बियर्ड कर्व में होता है. और मैं धीरे धीरे फर्स्ट ईयर ऑफ कर रहा हूँ और उसको ब्लेंड करने के बाद से. और गाइस, जहाँ पे जिस तरफ हाईलाइट है वो हाईलाइट देने की कोशिश करो, तभी जाके आपका रियलिस्टिक बनेगा. I hope you like this video. If you like this video, hit the like button and do subscribe to my channel. मेरे को Instagram पे भी follow कर सकते हैं, description में link दिया हुआ है, आप जाके follow कर दीजिए. तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye and guys thank you so much for watching. जय हिंद दोस्तों.